ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा सीट का परिणाम सामने आ गया है। इस सीट पर बीजू जनता दल की ओर से चुनाव लड़ रही दीपाली दास को 1,07,003 मत मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के टंकधर त्रिपाठी को 48,528 वोटों से हराया है। टंकधर को 58,384 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के तरुण पांडे 4,437 वोटों पर सिमट कर रह गए हैं। बता दें कि ओडिशा के इस चर्चित झारसुगुड़ा उपचुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी और मतदान 10 मई को हुए थे। जीत की घोषणा के बाद दीपाली दास ने मीडिया से बातचीत की। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा दीपाली दास ने। ये जीत झारसुगुड़ा वासी का है, ये जीत उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे पापा से बहुत प्यार करते थे, ये जीत माननीय मुख्यमंत्री का है, ये जीत हमारे सारे बीजू जनता दल के कर्मी सहयोगी और मेरे पापा के साथ जुड़े सारे लोगों का है, ये जीत नवदास का। देखिए जो लोगों का प्यार है, जो विश्वास है, आज जो उत्तर आया है वोट के तरीके से, पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा सारे झारसुगुड़ा वासियों को करना चाहती हूँ। सेकंड में माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे पे विश्वास करने के लिए, और बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेतृमंडली जो लोग आए थे, कर्मी सहयोगी और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार और नव भैया से जुड़े हुए जितने भी लोग, आज हम सबसे कहना चाहते हैं कि आज हम नव भैया का नाम, उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व, नवदास का नाम आज झारसुगुड़ा वापस आया है। यही कि विकास, झारसुगुड़ा का विकास अब कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।